Hello students, welcome to history class 12th. Student, in recent video we have discussed about the old traditions, sacrifice and traditions, what were the background of their sacrifices performed by the people. Now student, we will discuss about the new questions and ideas. So first of all, new questions and ideas. Dekho, pehle hum sirf mante the Upanishad ko, ब्राह्मण जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ थे उनको मानते थे, लेकिन अब मीनिंग ऑफ लाइफ जो था उसके बारे में अलग अलग जो गुरुज थे उन्होंने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देनी शुरू कर दी थी. मैनी आइडिया फाउंड इन उपनिषदास शोज दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. ये सभी चीजों के बारे में जानने के लिए लोग आतुर थे. तो फिर क्या किया लोगों ने, कुछ ऐसे धर्म गुरुओं को फॉलो करने स्टार्ट कर दिया जो मतलब इसके बारे में लोगों को अवगत कराते थे, बताते थे भी आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, क्या हमारा रीबर्थ होता है या नहीं. सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड थिंकर्स एंड कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड अदर आउटसाइडर इन वैदिक ट्रेडिशन आस्क वेदर और नॉट देव देयर वर इवन वॉज सिंगल अल्टीमेट रियलिटी. पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन. देखिए, जो भी लोग थे बर्थ रीबर्थ के बारे में उनको जानने का काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया. तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपनी अपनी थिंकर्स ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बताई. कुछ सेटिस्फैक्ट्री थी, कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. तो लोगों ने मतलब पुराने ट्रेडिशन को क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी. आगे आ गया डिबेट्स एंड डिस्कशन. सो किस तरह से डिबेट्स होती थी, मान लो जैसे आफ्टर लाइफ के बारे में है या रीबर्थ के बारे में डिबेट है तो कैसे स्टार्ट होती थी. ये जो डिबेट का जो प्रोसेस था ये स्टार्ट हुआ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब लोगों ने ओल्ड ट्रेडिशन को क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी. We get a glimpse of lively discussion and debate from Buddhist text, which mention many as 64 sect or school of thoughts. ये इतने schools थे उस time उनके. Teachers क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह travel करते थे, क्या करने के लिए, trying to convince one another as well as lay person about the validity of the philosophy or they द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड. मतलब टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे लोगों को ये बताने के लिए जो दूसरे टीचर्स थे कि वो क्या भगवान के बारे में, लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में सब कुछ सही समझते हैं या कुछ गलत है. तो अगर कुछ गलत होता था तो उनके साथ डिबेट्स करते थे. और ये डिबेट्स कहाँ होती थी, कुटाग्रशाला में. एक ऐसी हट होती थी विद ए पॉइंटेड रूफ, मतलब कि जैसे झोपड़ी कह देते हैं, ऊपर से एक तरह से तीखी नुकीली वाली झोपड़ी, छत वाली. ऑन इन द ग्रुप वेयर ट्रेवलिंग मेडिकेंट हाल्टेड, मतलब जहां पर जो साधु वगैरह होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले वो रुके होते थे, वहां पर ये कुटाग्रशाला होती थी, वहां पर डिबेट होती थी. इफ अ फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, मतलब कंपिटिटर जिसके साथ वो डिबेट कर रहा है, अगर वो फिलोसफर दूसरे डिबेट जो फिलोसफर है उसको सक्सेसफुल होगा उसको कन्विंस करने में, तो जो मतलब कन्विंस हुआ है द लेटर, मतलब जो कन्विंस हुआ है उसको द फॉलोअर्स एंड द लेटर हु ऑल्सो बिकेम द डिसिपल, उसके जो मतलब राइवल्स हैं जो अपने बात मनवाने में सफल हुआ, दूसरे के फॉलोअर्स और खुद वो दूसरा गुरु, उन सभी को डिबेट जीतने वाले को गुरु मानना पड़ता था. सो सपोर्ट फॉर द एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम. देखो, हर धर्म की सपोर्ट कभी ज्यादा हुई है, कभी कम हुई है, टाइम टू टाइम इनका डिफरेंस चलता रहे. मैनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास. अब ये कुछ टीचर्स थे, रिलीजियस टीचर्स, फिलोसफर, जिनका नाम था महावीरा और बुद्धा, इन्होंने वेदास के बारे में क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी. दे ऑल्सो एम्फेसाइज इंडिविजुअल एजेंसी सजेस्टिंग दैट मैन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल ऑफ ट्रिबुलेशन.
और ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। देखो वो कहते हैं कि भगवान जो है वो आप अपने काम करके अपने अपने आप को मुक्ति पा सकते हो। दिस वॉज इन मार्क्ड कंट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन। दूसरे ब्राह्मणिकल पोजिशन में यज्ञ वगैरह में और भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताई जाती थी, लेकिन इन गुरुओं ने क्या कहा, इन धर्म गुरुओं ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यज्ञ करके आपके पाप माफ हो जाएंगे या कुछ भी। मतलब जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था उससे अलग इन्होंने अपनी थिंकिंग स्टार्ट कर दी, थ्योरी स्टार्ट कर दी। और उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया कि कोई भी बंदा अगर इंडिविजुअल है कोई भी, तो उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी सोसाइटी में स्टेटस, उसका बर्थ डिक्लेयर नहीं करेगा, उसकी अचीवमेंट डिक्लेयर करेंगे। उपनिषद में जो ये वर्सेस दिए हुए हैं इसको पढ़ लेना आप। उसके बाद देखिए बुद्धिज्म के बारे में, ये जो टेक्स्ट थे बुद्धिज्म के टेक्स्ट वो कौन कौन से और कैसे प्रिपेयर किए। बुद्धा जो थे एक टीचर थे, उन्होंने ओरली टॉट किया, डिस्कशन की, डिबेट्स की, मेन एंड वुमेन परहैप्स चिल्ड्रन एज वेल अटेंड दीज डिस्कशंस एंड डिस्कोर्स एंड दे हर्ड। नन ऑफ बुद्धास स्पीच वॉज रिटन एट दैट टाइम। तो उसकी डेथ के बाद ही उसकी टीचिंग्स को लिखना शुरू किया गया है। हिज टीचिंग वर कंपाइल्ड बाई डिसिपल्स, जो उसके डिसिपल्स थे उन्होंने उसकी टीचिंग्स को कंपाइल किया। एट काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मॉन्क्स एट वैशाली, दीज कंपाइलेशन वर नॉन एज त्रिपिटकास। इनको त्रिपिटका कहा जाता है, जो ओरल हिस्ट्री थी, ओरल जो भी मतलब फिलोसफी थी उसको कन्वर्ट कर दिया, लिखा गया। तो देखिए त्रिपिटका में सबसे पहले देखिए विनय पिटका, जिसमें इंक्लूडेड रूलर एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु ज्वाइंड संघ एंड मोनेस्टिक ऑर्डर। जो संघ में आए वो किस किस तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे, ये इसमें लिखा हुआ था विनय पिटका में। बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो सूत पिटका में। अभिधम पिटका डील्ड विद फिलोसफिकल मैटर। तो इस तरह से अलग अलग जो है, हर एक पिटका जो है अपने में अलग चीजें समाये हुए था। ईच पिटका कंपराइज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट। लेटर कमेंट्रीज वर रिटन ऑन द टेक्स्ट बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। देखो बाद में स्कॉलर्स ने उनके बारे में अलग अलग चीजें भी लिखी। बुद्धिज्म जो था एक ऐसा रिलीजन था जो इंडिया से अलग अलग रिलीजन में ट्रेवल किया, श्रीलंका गया और श्रीलंका से जैसे दीपवामसा और महावामसा ये ग्रंथ लिखे गए, रिटन कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। मैनी ऑफ दीज वर कंटेन्ड बायोग्राफीज और बुद्धा, सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन पाली वेयर लेटर कंपोजिशन इन संस्कृत। वेन बुद्धिज्म वाज स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, पिलग्रिम सच एज फासियान क्वांजेंग जो थे ये चाइना से इंडिया आए इन टेक्स्ट की सर्च करने के लिए कि बुद्धिज्म असल में कहां से शुरू हुआ। दीज दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री वेयर दे आर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स आल्सो ट्रेवल टू फायर अवे प्लेस कैरिंग टेक्स्ट टू डिसमिनेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो वर्क्स था ये इनके वर्क्स को जो बुद्धिस्ट टीचर थे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ले गए ताकि बुद्धा की टीचिंग जो है अलग अलग पार्ट में दुनिया में फैल सके। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सेवरल सेंचुरी इन मोनेस्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। मॉडर्न ट्रांसलेशन हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाली संस्कृत चाइनीज एंड तिब्बतन टेक्स्ट। तो इन लैंग्वेजेस में ये टेक्स्ट लिखे गए थे, बुक्स लिखी गई थी, तो इन बुक्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड अब पहचाना जा सकता है। फेटेलिस्ट और मटीरियलिस्ट। अब आपको बता देंगे फेटेलिस्ट कौन होते हैं, मटीरियलिस्ट कौन होते हैं। फेटेलिस्ट वो होते हैं जो भाग्य को मानते हैं, और जो मटीरियलिस्ट होते हैं वो होते हैं जो भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने कामों पर विश्वास करते हैं। तो आप यहां तक पढ़ लीजिए, फेटेलिस्ट और मटीरियलिस्ट का ये टॉपिक जो सोर्स है यहां तक पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।